नमस्कार दोस्तों, इस सांप को पकड़ने के लिए मुझे मेरे चचेरे भाई ने अभी कॉल किया था। अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मेरे चचेरे भाई का नाम है सुरेश दिघे, उसे भी सांपों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन वो ज़्यादातर सांप नहीं पकड़ता। दोस्तों, ये रेड सैंड बोआ यानी मांडुआ सांप का बच्चा है। जब छोटा होता है तो इसके ऊपर ये काले कलर के धब्बे दिखते हैं, तो साधारण इंसान इसे फंस जाता है कि ये कहीं रसेल स्वाइपर यानी घोनस सांप तो नहीं है या दूसरा कोई जहरीला सांप तो नहीं है। लेकिन ये मांडुआ सांप है, ये बिना जहर वाला सांप होता है। बड़ा होने पर ये इसके ऊपर जो काले रंग के जो पट्टे है ये पूरा काला कलर या चॉकलेटी कलर दिखेगा, इसमें धब्बे नहीं रहेंगे। तो यहाँ से हमने इसे पकड़ लिया है। ये मेरे भाई ने पकड़ा था, मुझे कॉल किया था इसने, और अभी हमने इसे पकड़ लिया है। तो अभी इसे छोड़ देंगे, रात का समय है। ये एकदम तेज भागता है, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो इतना तेज नहीं भागता। अभी ये बिना जहर वाला सांप है, और ये जो व्हाइट कलर का शर्ट है ये मेरा भाई है, इसने ये सांप पकड़ा है। और बिना जहर वाला सांप है, नॉन वेनमस स्नेक है ये मांडोल सांप। तो इसलिए ये हमारे राजू भू है, इनके हाथ पर ये दिया है ताकि उन्हें पता चले कि बिना जहर वाला सांप है, काटता नहीं है। और ये उनकी मम्मी है, तो ये बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो अभी हमने इसे पकड़ लिया है। और राजू भू का डर भी बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी मौसी ज़्यादा डर गई है। तो हम इसे इस सांप को पकड़ लेते हैं और छोड़ देंगे। इनके हाथ में इसी कारण दिया था ताकि वो उनकी उनका जो डर है वो कम हो सके। बस चलो अभी इसे छोड़ देते हैं, अभी क्या अभी। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम इस सांप को यहाँ पे छोड़ने के लिए आए हैं। ये है रेड सैंड बोआ यानी मांडवल सांप का बच्चा, इसे हिंदी में दूमू वाला सांप भी बोलते हैं। इसका सिर्फ नाम है दूमू वाला सांप, लेकिन इस सांप को दो मुंह नहीं होते, इस सांप को मुंह एक ही होता है। और जो पीछे जो इसकी पूंछ है और आगे जो इसका सर है, सिर जो है, ये एक एक जैसा दिखता है, इसीलिए लोग धोखा खाते हैं जब ये बड़ा होता है। तो अभी तो इसमें थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, यहाँ पे एक पट्टी दिख रही है और यहाँ पे सर दिख रहा है, तो अभी तो हमें पता चलता है। लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसके पूंछ और सिर को अगर देखते हैं तो दूर से ऐसा लगता है कि ये भी सिर ही है और ये भी सिर ही है। एक्चुअली ये तो सिर ही है, लेकिन ये सिर नहीं है, ये तो पूंछ है। लेकिन अगर दूर से अगर बड़े इसी रेड सैंड बोआ को देखते हैं यानी मांडोल सांप को देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ये दो मुंह वाला सांप है। लेकिन सांप दो मुंह वाला नहीं होता, सांप एक ही मुंह वाला होता है। और बहुत से अंधश्रद्धाओं के कारण इस सांप को, सांप की तस्करी की जाती है, बड़े सांपों की तस्करी की जाती है। इनमें से जो बड़े सांप होते हैं तो लोग अंधश्रद्धाओं के कारण उन्हें बेचते हैं, और ये करना कानूनन जुर्म में है। ऐसा ना करे, कोई भी ना करे, सांपों को बचाए। और ये बहुत ही प्यारा सा सांप है, नन्ना सा सांप है, तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं।